Hey guys, back with Soul Update and Tournament Video. So, ये 4-star esports का scrims है. तो 4-star esports के scrim के last match में जो कि Sanhok का map था, तो Sanhok का map में Soul ने 15 kill निकाले. And आज Soul से सिर्फ Soul Hector खेल रहे थे. तो वो मैच आप आगे देख सकते हो. And उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो. आपको ऐसे Soul का तोड़फोड़ वीडियो मिलता रहेगा. So, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत. एंड अगर आपको फुल मैच देखना है तो आपको लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा. आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो. आप फुल मैच देख सकते हो आप वहाँ से जाके. तो अब चलते हैं मैच की तरफ. बॉल हो चुके, बढ़ते हैं यहाँ पे हेक्टर की तरफ. हेक्टर ने एक नॉक निकाला और हेक्टर यहाँ पर आए थे फिलहाल के लिए बूट कैंप के एरियाज पे. और बूट कैंप की ये फाइट देखते हैं हेक्टर सही समय से निकाल पाएंगे नहीं. अभी के लिए साइड से हेक्टर भी डाउन हमें पड़े हुए देखने को मिलने वाले. उनका एलिमिनेशन भी काफी जल्दी हो सकता है. लेकिन ओरियन अभी के लिए अपने प्लेयर को रिवाइवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. हेक्टर अभी भी डाउन पड़े हुए रहेंगे. साइड से उनकी रिवाइवल जो पॉसिबल है या नहीं वो वक्त बताएगा. रिवाइवल यहाँ पे पॉसिबल है और रिवाइव दे दिया जाएगा. और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से सोल के प्लेयर्स इस फाइट को निकालने वाले हैं. बूट कैंप पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल वाला सिनेरियो सभी के लिए रहता है. एक फिनिश के साथ ऊपर बनने की कोशिश. निग्मा गैलेक्सी के विक्सी रहने वाले हैं डीबीएस के साथ. और डीबीएस से किसको डर नहीं लगता है. सभी प्लेयर्स डीबीएस से थोड़े से डरते जरूर हैं. लेकिन फाइनली निग्मा गैलेक्सी के विक्सी का भी एलिमिनेशन हो जाने वाला है. टीम सोल टोटल 5 फिनिशेस के साथ बूट कैंप के एरियाज को अभी के लिए थोड़ी सी खाली करती हुई हमें देखने को मिल जाएगी. थोड़ी सी इसलिए मैंने कहा क्योंकि अभी भी यहाँ पे प्लेयर्स मौजूद हैं. हेक्टर का ध्यान जा चुका है यहाँ पे 3x क्लाउनी और दिशा के ऊपर. देखते हैं इस फाइट को किस तरीके से निकाला जाता है. यूएमपी एंड एकेएम का एक कॉम्बो यूज करते हुए टीम सोल के प्लेयर्स कोशिश करेंगे एक इनिशियल पिक निकालने की. और वो पिक हेक्टर ही निकाल सकते हैं. कोशिश कर रहे हैं लगातार यहाँ पे स्प्रे देने की. मीनवाइल यहाँ पे आर स्पोर्ट्स के रॉकस्टार वो जाने वाले हैं डाउन. एंड हाइड्रा के प्लेयर्स यहाँ पे लगातार फिनिश होते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे. टी फ्रॉस्ट एक नेड आएगा और टी फ्रॉस्ट को डाउन करता हुआ देखने को मिल जाएगा. सो टीम सोल दे आर जस्ट होल्डिंग देयर पोजीशन. सेंटर बिल्डिंग को होल्ड करें, मेन बिल्डिंग को होल्ड करें. और कोशिश रहेगी इनकी तरफ से कि लगातार फिनिशेस में इजाफा करा जाए. और इजाफा कर भी रहे हैं. 6 फिनिशेस अपने खाते में जोड़ते हुए सोल के प्लेयर्स. और देखते हैं यहाँ पे क्या कर पाएंगे. और भी कुछ फिनिशेस निकाल पाते हैं या नहीं. कोशिश यहाँ पे सभी प्लेयर्स की तरफ से, कोशिश यहाँ पे सभी टीम्स की तरफ से हो रही है. बट कोशिश में किसको सफलता मिलेगी वो आने वाला वक्त बताने वाला है. सर्कल की बात करें, सर्कल का एक सेंट्रल शिफ्ट आता हुआ, मतलब कि एक वेस्टर्न शिफ्ट आता हुआ सोल हेक्टर एक और प्लेयर को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे. और वो प्लेयर एपीएस ही रहने वाला है. सो एपीएस आप कहीं भी डोमिनेट करो, सोल के प्लेयर्स के सामने आने पे आपका थोड़ा सा जो वो ले जाने वाले हैं. बट फ्री फायर करते हुए जादू नॉक कर देने वाले सोल हेक्टर को. जादू के लिए एक 1v2 का सिनेरियो बनता हुआ. पीछे से आएंगे साथ और अपने प्लेयर को यहाँ पे बचाते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे. बट वो लास्ट फिनिश जो था वो मिलता हुआ हमें ओरियन को देखने को मिल जाने वाला है. सो बहुत ही बढ़िया गेम के साथ टीम सोल टोटल 8 फिनिशेस निकाल चुकी है. एक बढ़िया गेम यहाँ पे निकालती हुई देखने को मिलेगी. हेक्टर को दोबारा से यहाँ पे रिवाइव दे दिया गया है पीछे से. बैक एंड साइड पे और भी लगातार फाइट चलती हुई क्योंकि बैक एंड साइड से यहाँ पे टीम आरटीडी आगे आना चाहती है. आरटीडी के प्लेयर्स यहाँ पे बैक स्टैप करते हुए टीम आर और आरजी के प्लेयर्स को यहां से बचना पड़ेगा. बट अभी के लिए टीम आरटीडी खुद भी काफी ज्यादा मुसीबत में. मार्कोस को स्पॉट करा था और सोल एक्टर ही वो प्लेयर थे जो कि इनको लगातार शॉट देने की कोशिश में थे. फाइनली उनको नॉक करने के उनको एक अच्छा एंगल मिला, उनको नॉक करा गया है. और अभी के लिए आरटीडी के प्लेयर्स काफी ज्यादा बैकफुट पे हमें देखने को मिलने वाले. आरजीई और सोल दोनों टीम्स मिल करके यहां पे आरटीडी को काफी ज्यादा मुश्किल में डाल रही है. और काफी ज्यादा मुश्किल घड़ी उनके लिए अभी के लिए आती हुई हमें देखने को मिल जाएगी. सो थोड़े से इंटेंस सिचुएशन, थोड़े से इंटेंस फाइट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. और देखते हैं किस तरीके का फाइट आने वाले टाइम पे प्लेयर्स निकालते हुए हमें देखने को मिलेंगे. सोल हेक्टर आगे जा रहे हैं. टोटल 11 फिनिशेस टीम सोल. बूट कैंप पे इकलौती टीम जो कि सर्वाइव कर रही है वो होने वाली है टीम सोल. और इनकी तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन गेम हमें देखने को मिल रहा है. लेट्स सी किस तरीके का आने वाले टाइम में और कितने 3 फिनिशेस के साथ. सो सिर्फ एक ही प्लेयर साथ, वो 2 फिनिशेस के साथ रहेंगे. सेक्टर आगे जाना चाहते हैं रेकनिंग के प्लेयर्स. अभी के लिए थोड़ा सा एक ओपन एरिया में लेब्रॉन को स्पॉट करा हेक्टर ने. लेब्रॉन को इंस्टेंट डाउन कर दिया गया. एंड टीम रेकनिंग अब बैकफुट पे जाते हुए सोल हेक्टर अपना जवाब देते हुए अपना कमाल दिखाते हुए नेक्सस को डाउन कर दिया जाएगा साथ के द्वारा. और टीम रेकनिंग ऑलमोस्ट बैकफुट पे जा चुके हैं क्योंकि उनके 2 प्लेयर्स का एलिमिनेशन हो चुका है. बट लेफ्ट हैंड साइड से टीम हीरो के प्लेयर्स आते हुए क्रीड को स्पॉट करा गया. क्रीड को नॉक करने की कोशिश में लगे हुए लेकिन अभी के लिए क्रीड एक बढ़िया पोजीशन पे रहने वाले. अभी के लिए क्रीड एक और स्प्रे आएगा. प्रोन स्प्रे डालते हुए क्रीड हेक्टर को भी डाउन कर देने वाले हैं. साथ भी डाउन रहेंगे टीम सोल. वो बैकफुट पे जाते हुए ओरियन को भी खत्म करने की कोशिश. एक 1v3 क्लच करते हुए हमें क्रीड देखने को मिल जाएंगे. एक 1v4 की कोशिश इनकी तरफ से रहने वाली है. स्लोक इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम सोल. क्या यहां पे टीम सोल
एलिमिनेट हो जाने वाले हैं, ऑलमोस्ट एलिमिनेशन के जगह पे पहुंच चुके हैं टीम सोल के प्लेयर्स। और इकलौते प्लेयर यहाँ पे स्लोक रहेंगे, जो कि गॉड की तरफ में स्प्रे देने की कोशिश करी थी, लेकिन अब अपनी पोजीशन भी रिवील करा चुके हैं। और क्रीड ही वो प्लेयर है, जी नहीं गॉड वो। तो कैसा लगा आपको सोल का ये परफॉर्मेंस, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो को बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।